खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा की घटना के बाद अब धीरे धीरे हालात सामान्य होते जा रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने दंगा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। रामनवमी पर हुई हिंसा की घटना के बाद खरगोन सांसद गजेंद्र सिंह पटेल दंगा प्रभावित क्षेत्र संजय नगर पहुंचे। यहां उन्होंने घर घर जाकर लोगों के नुकसान का जायजा भी लिया। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला ने रो रो कर अपनी आप बीती बताई, तो वहीं एक युवती ने बताया कि कुछ दिन पहले उसकी शादी होने वाली थी और उसके भाई द्वारा दहेज का सामान इकट्ठा किया गया था, उसे भी दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। युवती ने कहा कि हमारे क्षेत्र में बार बार दंगा होता है और अब हम यहाँ रहना ही नहीं चाहते। हमारी भरी न रखता था नहीं होती। मैं सब लोग का जंगे भर के कमाई कर भाई मत रोको अब कुछ मैं उगल बेटा आज आखिरी समय को सहारो जो रखे सो भी नहीं हर बेटो को रोटी देने से इनकार कर रो नहीं आप क्या वो कबस के रहो मैं नहीं थोड़ा सोनो चांदी से रोटी नहीं का एक एक रुपया ढेर कर कितना बड़ा लोटा भरा था कुछ पुरानी स्टाइल में जैसा अपन पैसा रखता था ऐसा पैसा रखे नहीं होता हजार से चिल्लर इतना बड़ा लोटा भरा था वो एक भाई पेटी में नोट है 35,000 वो अंदर की नाकत में रखा देखो गजेंद्र भाई बता रहा हूँ 2021 में आया था आप मैं का आश्वासन देने का था मेरे घर जरूर तीन बार को है तीन बार का कोई मुआवजा नहीं सरकार की तरफ से मैंने बता मगर उसका बावजूद ये तीसरी बार मारो घर जलन देने कब तक यानी के मारो हाथ भी टूटो तो आपने 1500 रुपया इनाम भी दियो तो उसको कि तू एक जो सामने डरे कब तक लड़ा हमारा हौसला टूटी चुके अगर तुमको कर लूं मदद नहीं हमारी करती है भैया तुमको माहौल ठंडा हो जाए पुलिस फोर्स जब आवे वहीं सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि किसी भी दंगाई को छोड़ा नहीं जाएगा, तो वहीं प्रभावित लोगों की भी हर संभव मदद की जाएगी। भारी मात्रा में कई वाहन जला दिए, क्या आपने देखा, क्या सर्वे किया? देखो जो घटना घटी है बड़ी दुखद घटी है। 2015, 2018 और 2022 ये तीन घटनाएं दिखाती है कि संजय नगर में जो हिंदू समाज के लोग रह रहे हैं उन पे इस प्रकार का पहले भी हमले हुए हैं और इस बार का हमला ज़बरदस्त हुआ है, जिसके कारण काफ़ी पीड़ित लोग यहाँ पर हैं, जिनके घर भी जलाए गए हैं, उनके सामान लूट लिए गए हैं, उनकी मोटरसाइकिल जला दी गई है और इसलिए अभी उसका आकलन चल रहा है। मुझे लगता है कि दुख बहुत है, लोगों का दर्द भी है, लोग कार्रवाई चाहते हैं और इसलिए कार्रवाई के तौर पर जो न्यायिक कार्रवाई हो सकती है बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि नाम सहित लोगों ने अपनी एफ आई आर कराई है और मैं इसलिए शासन प्रशासन से बार बार इस बात से इंगित भी कर रहा हूँ कि नाम चिन्हित है, कार्रवाई उसमें करने का निर्देश भी हमने किया है। निश्चित तौर पर भी फरारी में है तो उनको पुलिस तफ्तीश कर रही है और विश्वास करिए कि जो भी घटनाक्रम और उसमें जो भी दोषी लोग हैं उस पर सख्त सख्त कार्रवाई करें। शादी भी लोगों की होने वाली थी, उसमें उनका दहेज का सामान तक जल रहा है। निश्चित तौर पर कई हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, जो काफ़ी कष्ट भी, हमारी बहन की शादी भी होने वाली थी जिसका पूरा दहेज का सामान भी लूट लिया, आर्थिक पैसा भी लूट लिया, पूरा समाज उनके साथ में खड़ा है, उसकी पूरी मदद भी करेंगे परंतु उसके आकलन में सब चीज़ें आएगी। सरकार पूरी उसके विवाह की भी और उसके मकान की मदद करेगी। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया नुकसान उसको पूरा बनाने का काम मध्यप्रदेश की सरकार करेगी। पूरा हिंदू समाज का जितना नुकसान हुआ है सरकार उनके साथ में खड़ी है। जिन जो भी दंगाई थे वो किसी भी संप्रदाय या समाज के होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ये अभी भी कई दंगाई पकड़े नहीं गए उसको लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, एफ आई आर हुई है, करीब 300 से ऊपर एफ आई आर हुई है, तलाश चल रही है, 146 लोग अभी पकड़ में आ गए हैं और बाकी के लोगों को पकड़ रहे हैं। भले ही खरगोन शहर के हालात अब तेजी से सामान्य हो रहे हैं लेकिन प्रभावित क्षेत्रों की लोगों की आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही है, जिनकी खून पसीने की मेहनत को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।